सपा सांसद आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि आजम खां के वकील द्वारा एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर कोर्ट ने कहा पहले एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई होगी, उसके बाद आगे की सुनवाई हो पाएगी। अब एंटीसिपेटरी बेल की अगली तारीख 15 फरवरी कोर्ट ने मुकर्रर की है। 15 फरवरी के बाद ही दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खां की अगली सुनवाई पूरी होनी है। वहीं इस मामले पर सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि आज आजम खां के बेटे का जन्म प्रमाण पत्र का मामला कोर्ट में लंबित था। इस मामले में आजम खान, आजम खान की पत्नी ताजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को मुलजिम बनाया गया था। इस मामले से पहले आजम खां के खिलाफ 82 मामलों में कार्रवाई हो गई थी। आज 83वें मामले पर कार्रवाई होने के लिए डेट लगी थी। आज आजम खां के मामले में दो जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला न्यायालय में लंबित था, जिसमें आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, तीनों को इसमें मुलजिम बनाया गया है। और उसके मामले में पहले इनके खिलाफ 82 की कार्रवाई हो गई थी। आज 83 की कार्रवाई होने के लिए डेट लगी थी, लेकिन इससे पहले ही उनके वकील द्वारा एक एंटीसिपेटरी बेल का प्रार्थना पत्र इसमें न्यायालय में लंबित था, जिस पर कल सुनवाई होनी थी, लेकिन हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुमेचंद जैन का निधन होने के कारण कल वो उसमें सुनवाई नहीं हो सकी। उसमें अब अगली सुनवाई की तारीख 15 फरवरी लगाई गई है। तो 15 फरवरी जब उसकी एंटीसिपेटरी बेल की जमानत की प्रार्थना पत्र लगाई गई है, तो इसके लिए उनको समय दिया गया है कि पहले एंटीसिपेटरी बेल का निर्णय होगा, उसके बाद ही इस पर अगली कार्रवाई की जाएगी। 15 फरवरी के बाद कौन सी तारीख दी गई? 15 फरवरी जो डेट लगी है वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए लगी है। एंटीसिपेटरी बेल पर आर्ग्यूमेंट होना है, जो भी उसमें निर्णय होगा उसके बाद ही कोई कार्यवाही आज के मुकदमे में की जाएगी। इसके लिए उन्होंने 20 फरवरी की डेट न्यायालय द्वारा लगाई गई है। 20 फरवरी काय की है तारीख? जो भी एंटीसिपेटरी बेल के बाद जो भी ऑर्डर होगा तो उसमें देखा जाएगा कि 83 कार्रवाई इसमें होनी है या नहीं होनी है। कुड़की वाला मामला? जी कुड़की वाले मामले में जो भी कार्रवाई होगी वो एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर के होने के बाद ही उसमें कोई कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या था थोड़ा बता दीजिए। इसमें अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्रों का मामला था, एक रामपुर तहसील द्वारा बनाया गया था और एक सेंट मेरी क्वीन मेरी के नाम से एक हॉस्पिटल है लखनऊ में, एक जन्म प्रमाण पत्र वहाँ से बनाया गया था। उन दोनों जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में आकाश सक्सेना द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी, 420, 468, 468, 471 IPC की, वही मामला आज न्यायालय में विचाराधीन था। पासपोर्ट वाला आज नहीं था, सिर्फ दो जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला था। बहरहाल उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां एक बार फिर मुश्किलों में घिर सकते हैं। मामला आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़ा है, जिन पर दो पासपोर्ट रखने का आरोप है। इसे लेकर लगातार कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई तारीखों पर अब्दुल्ला आजम पेश नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि मामला सपा सांसद आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र का है। उनका एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर से बनाया गया है तो दूसरा लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल से बनवाया गया था। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट।